आज हम लोग बेसिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी प्लान ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हमारे यहाँ दो टाइप के प्लांट्स हैं, पूरे जितने भी प्लांट्स हैं उसको दो भागों में बांटा गया। आधा फ्लावर है नॉन फ्लावरिंग, जिसको हम बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स। बहुत सारे लोअर प्लांट्स है जिसका फ्लावर नहीं होता है, उन फ्लावर को एक ग्रुप में रख दिया गया है, उसको बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं फेनेरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स और लोअर प्लांट्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये चारों ग्रुप के जितने भी प्लांट्स हैं इसमें कोई फ्लावर नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। और दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको हम बोलेंगे फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में एंजियोस्पर्म आता है, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और फेनेरोगैम्स में एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा को दो भागों में बांटा गया, एल्गी एंड फंजाई, और एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा गया, डायकोट एंड मोनोकोट। दो टाइप के प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, डायकोट एंड मोनोकोट। तो हम लोग अभी बेसिक एक्सटर्नल बॉडी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स बाहर से कुछ कैरेक्टर, बाहर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स में रूट्स, प्लांट्स को, पूरे प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को हम बोलेंगे रूट सिस्टम और दूसरे को बोलेंगे सोर्स सिस्टम। जमीन के अंदर वाला जो प्लांट्स का भाग होता है उसे रूट सिस्टम बोलेंगे और ऊपर वाले भागों को सोर्स सिस्टम। रूट सिस्टम का काम क्या होता है, प्लांट्स को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन, रूट का मेन काम होता है वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोगों को प्लांट जर्मिनेशन देखना, सीड जर्मिनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सीड्स है वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, फूलने के बाद इससे जर्मिनेशन शुरू होता है। इसमें जर्मिनेशन के समय नीचे की ओर जो पार्ट, जो नीचे की ओर आ जाता है सीड्स, उसको हम बोलेंगे रेडिकल, और ऊपर वाला भाग को बोलेंगे प्लीम्यूल, ठीक है। दो पार्ट, छोटे छोटे दो पार्ट बनता है, सबसे पहले नीचे वाले को बोलेंगे रेडिकल, ऊपर वाला प्लेम्यूल। प्लेम्यूल से बनता है प्लांट का स्टेम, और नीचे के रेडिकल से बनता है रूट, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेडिकल वाला भाग, वही जब वो प्लांट के मिट्टी में पूरा नीचे तक चला जाएगा और उसी प्लांट्स के मेन रूट का काम करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। टैप रूट, मेन रूट जो नीचे तक चला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट और टैप रूट। उससे जब शाखा प्रशाखा निकलती है, उससे जो ब्रांचेस निकलता है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से फिर छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस निकलता है, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी रूट, ठीक है। तीन टाइप के रूट पाया जाता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। रूट के सबसे नीचे वाला भाग जो है उसको हम बोलेंगे रूट कैप, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। रूट के जितने भी रूट हेयर्स रहते हैं उसी से वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये था, और रूट्स दो टाइप के होते हैं, एक टैप रूट, दूसरा एडवेंटेटियस रूट्स, ठीक है। टैप रूट उसी को बोलेंगे जो रेडिकल पूरे नीचे तक चला जाएगा, उससे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट निकलेगा, उसको हम बोलेंगे टैप रूट, और इसको बोलेंगे एडवेंटेटियस रूट। एडवेंटेटियस रूट्स में क्या होता है, जो मेन रूट रहता है, जो मेन टैप रूट रहता है, वो कुछ दूर तक ग्रोथ करने के बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। मेन रूट रेडिकल वाला भाग जो है वो कुछ देर ग्रो करने के बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बंद हो जाता है, तो प्लांट्स के दूसरे पार्ट से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता रहता है, उसको हम बोलेंगे एडवेंटेटियस रूट्स और फाइब्रस रूट, ठीक है। मेन रूट जो है टैप रूट, कुछ देर डेवलपमेंट के बाद बंद हो जाता है डेवलपमेंट, उसके आसपास से बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम बोलेंगे एडवेंटेटियस रूट। ज्यादातर एडवेंटेटियस रूट जो है मोनोकॉट्स प्लांट्स में पाया जाता है, और मेन रूट जो है टैप रूट जो है वो डायकोट प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये था इसका रूट सिस्टम। अब हम देखेंगे सूट सिस्टम। रूट्स के ऊपर के पूरे भाग जो सॉयल के ऊपर पाया जाता है, सॉयल के ऊपर वाला पूरा भाग जो है उसको हम बोलेंगे सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में लीव, ब्रांचेस, स्टेम, ये सब चीजें आता है, ठीक है। फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब चीजें सूट सिस्टम में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन सूट जो है दो भागों का बना होता है, ऐसे सूट में दो टाइप के भाग पाया जाता है, एक नोड और दूसरा इंटर नोड। दो नोड के बीच के जो भाग रहते हैं उसको हम बोलेंगे इंटर नोड। नोड में क्या होता है, लीफ एंड ब्रांचेस नोड से ही निकलती है,
लीफ एंड ब्रांचेस जो है नोड से निकलती है, ठीक है। दो नोड के बीच के भाग को क्या बोलेंगे आप, इंटर नोड। इंटर नोड में लीफ ब्रांचेस सब लगा होता है, ठीक है। तो नोड्स के ऐसे नोड से लीफ निकली है और लीफ के एक्सिस से जब ब्रांचेस निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी ब्रांच। एक्सिलरी ब्रांचेस भी बोलेंगे इसको, बॉग भी बोलते हैं। दो टाइप के ब्रांचेस निकलते हैं, यहां से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो ज्यादा लंबे ज्यादा बड़ा नहीं होता। सबसे ऊपर के भागों से जब ब्रांचेस निकलता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक्सिस से छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, लीफ के एक्सिस से छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बाद में इसी से शाखा प्रशाखा निकलती है, इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ऊपर भी बर्ड रहता है जिससे स्टेम का आगे का भाग बढ़ता है, उसको हम बोलेंगे एपिकल बर्ड। ऊपर के भाग को बोलेंगे एपिकल बर्ड, एक्सिस से निकलने वाले बर्ड को बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। दो टाइप के शाखा निकलती है, ऊपर की शाखा जो है लंबाई में बहुत लंबाई चौड़ाई में बड़ा होता है, और ये जो एक्सिस से निकलने वाले ब्रांचेस जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। और लीफ के नीचे के भाग से जिस जगह से लीफ निकला है वहां छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल, उस भाग को बोला जाता है स्टिप्यूल। और ऊपर में छोटे छोटे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये जो है इसको हम बोलेंगे लीफ प्राइमोर्डियम, इसी से लीफ बनता है, ठीक है। इसी को डेवलपमेंट से लीफ बनता है। और ऊपर के भागों को हम बोलेंगे सूट एपेक्स, स्टेम के जो ऊपर का भाग इसको बोलेंगे सूट एपेक्स, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, नोड और इंटर नोड में स्टेम डिवाइडेड है, नोड से लीफ एंड ब्रांचेस निकलती है, लीफ के नोड एक्सिस से जो ब्रांचेस निकलते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी ब्रांचेस, और इससे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जब निकलते हैं उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। और ऊपर में लीफ प्राइमोर्डियम रहता है, और ऊपर सबसे ऊपर शूट एपेक्स। दो टाइप के ब्रांचेस है, यहाँ के ब्रांचेस जो है बड़ा होता है लेकिन लंबाई में ज्यादा नहीं बढ़ता, और ये जो है लंबाई में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला ब्रांचेस रहता है, ठीक है। ये हो गया ऊपर का पार्ट। अब हम देखेंगे लीफ, जब इसके लीफ को अच्छे से देखेंगे तो लीफ सबसे पहले मोनोकोट एंड डायकोट, दो टाइप के लीफ जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डायकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, इस टाइप के वेनेशन पाया जाता है, वेन मिडरिप और वेनलेट्स इस टाइप से प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और मोनोकोट में इस टाइप के वेनेशन पाए जाते हैं लंबे लंबे, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन वाले लीफ। तो मोनोकोट्स जैसे धान गेहूं मक्का ये सब चीजों जो है मोनोकोट्स में आता है, ठीक है। इसके लीफ जो है इससे पैरेलल वेनेशन वाला होता है, और डायकोट में रेटिकुलर वेनेशन। तो जिस एक ब्रांचेस है जिसके जैसे स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ लगा होता है नोड से, ठीक है। इस जगह छोटी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर पहले हम देखे थे उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, और लीफ के नीचे वाले भाग में छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको स्टिप्यूल, स्टिप्यूल बोलते हैं। एक डंडल टाइप स्ट्रक्चर से में लीप लगा हुआ होता है, ठीक है। लीप के जो नीचे वाला भाग जिससे लीप लगा होता है उसको क्या बोलेंगे हम, पेटियोल, इसको पेटियोल बोलते हैं। और लीप के बीच वाले भाग को बोलते हैं मिडरिप, इसमें बहुत सारे शाखा प्रशाखा निकली हुई रहती है जिसको वेन, और छोटे छोटे जो निकलती है उसको बोलेंगे वेनलेट्स, ठीक है। और लीप के जो पूरे ग्रीन पार्ट उसको बोला जाता है लैमिना, ग्रीन पार्ट को लैमिना। किनारे किनारे के जो भाग है उसको हम बोलेंगे मार्जिन, लीप का मार्जिन बोला जाता है। ऊपर के भागों को बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। ये था इसका लीप, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है, एक ऐसा भाग रहता है जिसको हम बोलेंगे थैलेमस, एक मस लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलेंगे थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे के जो भाग रहता है डंडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलेंगे पेडिसिल, ठीक है। फ्लावर में एक थैलेमस रहता है, थैलेमस के नीचे वाले भागों को बोलेंगे पेडिसिल, और थैलेमस के ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गैनोसियम, ये चारों ओरल के रूप में पाया जाता है। सबसे बाहर रहता है कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, कैलिक्स को सेपल भी बोलते हैं, कोरोला उसको बोलेंगे पेटल, उसके बाद रहता है एंड्रोसियम, उसके बाद गैनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम में तीन भाग रहता है, कनेक्टिव, एंथर और एंथर फिलामेंट और कनेक्टिव। इस भाग को हम बोलेंगे फिलामेंट, इसको बोलेंगे कनेक्टिव, ऊपर वाले भाग को बोलेंगे एंथर, ठीक है। और ये है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ऊपर के भाग को स्टिग्मा बोलेंगे, बीच को स्टाइल, नीचे ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स पाया जाता है, ओव्यूल्स जो है वो प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। ओवरी, ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ओवरी से बनता है फल, और अंदर के जो छोटे छोटे ओव्यूल्स है उससे सीड्स बनता है। ये था बेसिक एक्सटर्नल बॉडी प्लान।